साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे क्लोव जीएम क्रीम। साथियों क्लोव जीएम क्रीम एक कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसके अंदर क्लोविटासॉल, प्रोपियोनेट, क्लोट्राइमाजोल एंड नियोमाइसिन सल्फेट क्रीम का कॉम्बिनेशन है। साथियों क्लोव जीएम क्रीम जो है साथियों इसकी जो एमआरपी है 87 रुपीज 30 पैसा, ये 15 ग्राम का क्रीम है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। जॉयडस नीवा, जॉयडस कैडिला के डिवीजन है, जॉयडस नीवा फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये जो है प्रोडक्ट है। साथियों क्लोव जीएम क्रीम के बारे में सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्या है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, डोज की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ एंड हाउ टू यूज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन। क्लोव जीएम क्रीम 15 ग्राम बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग डर्मेटोलॉजिकल मेडिकेशन। साथियों ये स्किन में उपयोग करने वाली दवा है इसलिए डर्मेटोलॉजिकल मेडिकेशन है। टू टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये जो है एक्सटर्नल यूज ओनली की दवा है। साथियों टॉपिकल इन्फेक्टिव स्किन पे किसी तरह का विकार है जैसे मिक्स मतलब इन्फेक्शन है जैसे बैक्टीरिया का है या माइक्रोऑर्गेनिज्म का है या एंटी इन्फेक्टिव है, एक ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है दवा है। साथियों ये ट्रीट फंगल इन्फेक्शन भी करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी स्किन का जो है ट्रीट करती है। एंड आल्सो क्लोव जीएम क्रीम 15 ग्राम हेल्प टू रिड्यूस द स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस ड्यू टू सर्टेन स्किन प्रॉब्लम्स। किसी तरह का स्किन में विकार है जिसको हम कह सकते हैं दाद, खाज, खुजली, फोड़े, पुंसी या जैसे मतलब किसी वजह से घर्षण हो जाता है, सनबर्न हो जाता है या जो है खेतों में जाते हैं पेड़ पौधे की पत्ती लग जाती है उससे स्किन में इरिटेशन होता है, सहराती रहती है, ऐसे केस में क्या होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूज की बात करेंगे तो एंटी फंगल जो है इस्तेमाल होती है, फंगल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं एक्जिमा हो जाता है, खुजली होती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, स्किन में किसी तरह का विकार है, चकत्ते पड़ जाते हैं, सोराइसिस हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन किसी तरह का हो जाता है एंड क्लिरोसिस हो जाता है, दाद हो जाता है, खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, फोड़े पुंसी हो जाता है एंड साथियों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका उपयोग टेनिया वर्सिकोला जैसे स्किन के बीच में जो है पैर और अंगूठे की उंगलियों में जो है क्या होता है कि स्किन निकलने लगती है, सड़ने ऐसी लगती है, खुजली होती है, तो ऐसे केस में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे साथियों तो ये क्या होता है कि हाउ टू यूज एक तरह से कह सकते हैं, डोज कह सकते हैं कि इसका डोज कितना इस्तेमाल करना है। तो सर अप्लाई ऑन द थिन लेयर, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे हाथ को जो है फ्रेश वाटर से वॉश कर लेंगे, टॉवल से हाथ को जो है पोंछ के सुखा लेंगे और अप्लाई ऑन द थिन लेयर जहाँ पे इफेक्टेड स्किन है, इफेक्टेड एरिया आप स्किन में जो है दिन में 2 बार इसको जो है अप्लाई करेंगे और रब जेंटली थोड़ा सा उसको रब करेंगे और इफेक्टेड एरिया पे जो है इसको अप्लाई करेंगे। साथियों इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे, इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट है, किसी किसी मरीज को क्या होता है कि ड्राई स्किन हो जाती है इसको लगाने से, रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है और क्या होता है कभी कभी जो है इचिंग होने लगती है और स्किन फटने लगती है, ये इस तरह की कुछ क्षणिक जो है हल्के फुल्के साइड इफेक्ट है। साथियों कभी इसी ब्रांड की अगर किसी ने क्रीम लगाई है, आपने लगाई है जिसमें क्लोविटासॉल, क्लोट्राइमाजोल या नियोमाइसिन है, हाइपर सेंसिटिव है, आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो ऐसे केस में इस क्रीम को नहीं लगाना है। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, साथ ही साथ जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं लगाना है साथियों, और एल्कोहल जो पीते हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो इंट्रैक्शन विद मेडिसन लाइक इट्रीकोनाजोल एंटीफंगल कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, जेल में भी आता है, ट्यूब भी आता है, अगर उसको इस्तेमाल करें तो उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जो है ये कंट्रा इंडिकेशन और इंट्रैक्शन होने के चांस होते हैं। साथियों सबसे पहले एक बात बताऊंगा साथियों, बहुत सी लड़कियां हैं गोरे होने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, तो साथियों ये क्या कहते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम है साथियों, एंटी पैरासाइटिक क्रीम है साथियों, तो ये क्या होता है कि स्किन पे लगाने से स्किन में जो है ग्लो तो जरूर आता है तो बट बहुत लॉन्ग टर्म लगाने से स्किन जो है
क्या होता है जब इसको लगाना बंद कर देंगे तो स्किन रेड हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, शाइनिंग तो आती है साथ में, पर इसको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं लगाना है क्योंकि इसके बहुत से साइड इफेक्ट हैं। अदरवाइज जो है इसका यूज जो हमने बताया है, फंगल इन्फेक्शन में, एक्जिमा में, डर्मेटाइटिस में है, सोराइसिस में है, स्किन इन्फेक्शन में है और स्क्लेरोसिस में है, और दाद, खाज, खुजली, फोड़े, पुंसी, इस तरह का इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एमआरपी हमने पहले ही बताई, 87 रुपीज़ 30 पैसे की क्रीम है, जाइडस नीवा की क्रीम है, 15 ग्राम की क्रीम है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, बहुत अच्छी क्रीम है, क्लोव जीएम। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।